सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बिहार राज्य के कैमूर जिले के मोहनिया थाना परिसर में कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीते दिन 14 जून को सड़क लुटेरों ने NH2 पर अपाची बाइक से किसी भी गाड़ी का पीछा कर पैसे लूट का अंजाम दिया था, जिनके पास से एक बाइक 17,000 रुपये भी बरामद किया गया है। इस लूट का नेतृत्व मुखबिर राहुल कुमार और सुनील सेठी कर रहे थे, जो आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसपी ने आगे कहा कि 14 जून को NH2 पर इन लोगों ने पहले शराब की सेवन की और उसके बाद मुठानी के पास अपाची बाइक से अपने घर जा रहे जयराम नामक युवक को स्विफ्ट कार से पीछा किया और ओवरटेक कर बाइक और 17,000 रुपये और चैन लूटकर वहां से फरार हो गए। थाने में मामले दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोबाइल ट्रैक कर 6 में से 5 को गिरफ्तार किया है और एक लुटेरा अभी भी फरार है, उसे भी पुलिस पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। कैमूर से विवेक सिन्हा की रिपोर्ट। 16/6/20 को एक घटना हुई थी जिसमें एक बाइक सवार को मारुति सवार 6 अपराधियों के द्वारा उसकी बाइक लूट ली गई थी। 17,000 रुपये और उसके सोने का लॉकेट लूट लिए गए और NH पे ये घटना हुई थी। इस घटना के बाद इसके उद्भेदन के लिए एक टीम बनाई गई और काफ़ी मेहनत के बाद ये टीम जो रोहतास जिले के कोचस के सारे गिरोह के लड़के हैं अधिकांश उसमें से, उनमें से 5 की गिरफ्तारी हुई है, 1 फरार है और उसके पास से लूट के 17,000 रुपये लूटी गई अपाची मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल रिकवर किए। ये गुंगा बोल नहीं सकते। एक हत्याकांड में पहले जेल जा चुका है और 2 गैंग रेप के मामले में भी पहले से एक्यूज है। ये गुंगा बोल नहीं सकता है, कान से सुन नहीं सकता, तो पुलिस कैसे उनके पास पहुंची? नहीं, ये जो लूटी गई मोबाइल है उसका ये सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था और व्हाट्सएप चला रहा था, उसके आधार पर ये व्हाट्सएप चलाने में एक्सपर्ट है पूरी तरह से और उसके बाद से फिर पूरे गिरोह का बाहर भी काम करता था क्या लॉकडाउन? हाँ, ये पहले जैसा ही बता रहा है, जिसके जो मोबाइल वीडियो मिले हैं ये दिखा रहा है कि हम काम करते थे बाहर हरियाणा में, उसके बाद लौट के आए थे, फिर यहाँ पे ये अपराध की घटना को अंजाम दिए थे। अभी उसका सत्यापन किया जा रहा है, 3-4 का मिला है पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री जो रोहतास जिला सत्यापन करा है, बाकी और कभी सत्यापन रोहतास जिला करा।